और अब बात करते हैं उस तूफान की जिसने पूरे देश को पिछले कुछ दिनों से खौफ में रखा। वायु तूफान अब अपना रुख मोड़ चुका है, लेकिन गुजरात के समानांतर गुजरने की वजह से कई जगह इस तूफान की खौफनाक तस्वीरें दिखी। पिछले 3-4 दिनों से डर और दहशत का माहौल बनाने वाला चक्रवाती तूफान वायु अब अपना रास्ता बदल चुका है। और उसके रास्ता बदलते ही गुजरात और द्वीप के लोगों ने बड़ी राहत ली। तूफान भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे गहरे निशान छोड़ गया है। तूफान भले ही गुजरात के तट से ना टकराया हो, लेकिन तब भी उसकी आहट भर ने ही ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने लाई जिसने उसकी शक्ति का एहसास सबको करा दिया। वायु तूफान की आहट में हवाएं 135 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली और उनका असर क्या हुआ, जरा ये तस्वीरें देखिए। तस्वीरें गुजरात के अमरेली की, जहां हवा इतनी तेज थी कि एक एक भारी भरकम पानी की टंकियां पत्तों की तरह हवा में उड़ती दिखी। टंकियां ही नहीं, बाहर खड़ी कार को भी यह हवा अपने साथ धकेलने लगी। लोग सुरक्षित जगह से ये खौफनाक नजारा देखते रहे और हवा की इस रफ्तार को देख हैरान होते रहे। चक्रवात वायु की एक और तस्वीर पोरबंदर से आई है। पोरबंदर के माधवपुर में हवाओं की रफ्तार की वजह से एक वायरलेस टावर कुछ सेकंड में ही धराशाही हो गया। गनीमत तो ये रही कि टावर बंद था, हालांकि इसके गिरने से एक घर को कुछ नुकसान जरूर हुआ। गुजरात के भावनगर रेलवे स्टेशन की जरा ये तस्वीर देखिए अब, जहां हवा से बेंच ऐसा उड़ा मानो कागज हो। जरा सोचिए, अगर ये समय रहते ये जगह खाली ना कराई गई होती तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था। पोरबंदर में ऊंची ऊंची उठती ये लहरें ही वायु तूफान की शक्ति की कहानी बयां कर रही हैं। पोरबंदर में समंदर में करीब 20 फीट तक लहरें ऊपर उठी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई पत्थर सड़क तक आ गए। तूफान की खौफनाक तस्वीरें देखी आपने, अब आपको दिखाते हैं गोवा की तस्वीरें, जहां समुद्र में डूबते हुए युवक को हेलीकॉप्टर के जरिए बचाया गया। दरअसल कोस्ट गार्ड को एक युवक दिखा डूबता हुआ समुद्र में, इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद कोस्ट गार्ड रेस्क्यू टीम हेलीकॉप्टर लेकर वहां पहुंची और समुद्र से खींचकर युवक को बाहर निकाला गया। रेस्क्यू की तस्वीरें गोवा से आई है। जैसे ही कोस्ट गार्ड को खबर मिली कि एक व्यक्ति डूब रहा है समुद्र में, उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए उसका रेस्क्यू किया गया।